आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत की चीनी मिलों ने हाल ही के दिनों में 5,50,000 टन चीनी निर्यात के सौदे किए हैं। राइटर्स से चार डीलरों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम अधिक होने और रुपये के कमजोर होने की वजह से चीनी निर्यात आकर्षक हो गया है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक की ओर से ज्यादा निर्यात किए जाने से वैश्विक दाम में तेजी पर काबू पाया जा सकता है। सबसे बड़े निर्यातक ब्राजील में उत्पादन कम होने और कच्चे तेल के दाम में तेजी की वजह से इसकी कीमतें बढ़ी हैं। निर्यात से भारत को चीनी का भंडार घटाने और स्थानीय कीमतों को समर्थन देने में मदद मिलेगी। गन्ने के किसानों को सरकार द्वारा तय मूल्य के भुगतान की वजह से यह अहम है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र व कर्नाटक की मिलें बाजार में सक्रिय रही हैं। स्थानीय कीमत की तुलना में उन्हें बेहतर मुनाफा हो रहा है। डीलरों के अनुमान के मुताबिक भारत की मिलों ने 2021-22 में अब तक 64,00,000 टन चीनी निर्यात के लिए समझौते किया है। इसमें से 50,00,000 टन पहले ही भेजा जा चुका है। एक वैश्विक कारोबार फर्म से जुड़े एक कारोबारी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में भारत के कारोबारियों ने मुख्य रूप से इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे एशिया के खरीदारों को कच्ची चीनी बेची है, जो मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के लिए चीनी जुटा रहे हैं। इसके पहले के चीनी सत्र में भारत ने रिकॉर्ड 72,00,000 टन चीनी का निर्यात किया था। विदेश में बिक्री पर सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी का लाभ निर्यातकों ने उठाया था। इस साल बगैर सरकारी प्रोत्साहन के मिलें 75 से 80,00,000 टन चीनी का निर्यात कर सकती हैं। रुपया और वैश्विक दाम समर्थन कर रहा है। अगर महंगाई बढ़ने के डर से सरकार निर्यात पर कोई सीमा नहीं लगाती है तो निर्यात बढ़कर 80,00,000 टन भी हो सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।